जॉब है और एक अच्छी कंपनी कंपनी है वेल सेटल है सेटल और मैं उसके लिए काम करता हूं। एक करोड़ तो सैलरी होगी तो हेलो तो हूँ हम लोग जो है वो ए कर रहे हैं और वो क्यू क्यों कर रहे हैं दीपक क्या स्पेशल है आज वो स्पेशल ये है कि हमारे पूरे हो गए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी वन जिन्होंने सपोर्ट किया हाँ बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स का जो हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो प्रेम ऋषभ शांतनु आप लोग जो है वो हर हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और मैं हम लोग जो सारे कमेंट्स हैं वो देखते हैं उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो हम लोगों को मैसेज करते रहते हैं और लिखते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो थैंक यू वेरी मच और मतलब 20K पहुंचने पर हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है साथ ही साथ लग रहा है कि हाँ आप लोग देख रहे हो तो आप हम लोग और अच्छा कंटेंट बनाएंगे और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो आंसर करेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने शायद ये बहुत टाइम से नहीं काफी टाइम हो गया काफी टाइम से लाइफ बहुत ज्यादा बिजी थी तो लेकिन ये टाइम भी है करने का और और, और यहीं से हम लोग जो है वो 20 आप लोगों के साथ जो है वो कर रहे हैं और कुछ केक वेक नहीं है जस्ट आप लोगों से आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर करेंगे एंड ऑनेस्टली सारे क्वेश्चन के हम आंसर करेंगे है ना दीपक right, तो चलो absolutely. स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ओके okay. तो दीपक सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आई थिंक बहुत ही जेन्युन क्वेश्चन है और हमने पहले भी बहुत बार बताया है लेकिन हम फिर से ले लेते हैं ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि आप लोग कैसे जर्मनी मूव हुए और क्यों दो क्वेश्चन है okay. तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरीज है <laughs> डिटेल में बताई हुई है पुराने वीडियोज में देख सकते हैं तो पहला बात ये कि ऑब्वियसली हमारा प्लान था कि हम इंडिया के बाहर मूव करना चाहते थे तो उसमें जब हम लिस्ट बनाते हैं तो दो या तीन प्लेसेस हैं जो टॉप पे रहते हैं उसमें फर्स्ट था ऑब्वियसली यूएस यूके क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती हैं सेकंड जो प्रायोरिटी थी हमारी यूरोप ऑब्वियसली क्योंकि बहुत अच्छी जगह है डेफिनेटली है ना और जो रीज़न था वो यही था कि आ, मेरे को जॉब मिली अपॉर्चुनिटी मिली कि और उससे रिलेटेड भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो फॉर्चुनेटली मैं लकी था कि मुझे इंडिया से ही यहाँ पर डायरेक्टली जॉब मिल गई तो और जब हमें पता चला कि हम जर्मनी जा रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं था सेकंड थॉट का कि हाँ यार डेफिनेटली जाना <laughs> है कि वन ऑफ द यू नो ड्रीम लोकेशंस है ये Definitely मेरे लिए तो वही और और थोड़ा दीपक को जॉब मिली तो इसलिए हम लोगों ने सोचा एंड थोड़ा स्पाउस के लिए भी बहुत इजी होता है क्योंकि स्पाउस जो है क्योंकि जो वो काम कर सकते हैं आप जैसे ही एंट्री करो जर्मनी में वो काम कर सकते हैं तो मेरे लिए भी बहुत इजी था मैं भी जॉब जो है वो चेंज करने का सोच रही थी एंड विद इन इंडिया भी सोच रही थी एंड बाहर भी सोच रही थी ये अपॉर्चुनिटी मिली और हमने सोचा कि भाई चलो कुछ टाइम तो वहाँ पर जाके देखते हैं और नई कुछ चीज एक्सप्लोर कर छोड़ना नहीं है तो ये पहला क्वेश्चन थैंक यू पूछने के लिए तो सेकंड सवाल और अच्छा अबाउट लव स्टोरी कुछ लोगों ने कमेंट करा है तो आ, लव ने ने एंड कुछ लोगों अबाउट लव स्टोरी के लिए कमेंट करा है तो लव स्टोरी का वीडियो हम बहुत जल्द जो है वो अपने जो चैनल है उस उसपे बनाएंगे चैनल के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी हाँ सॉरी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है वो लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं तो हम लोगों की यार लव मैरिज है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पोस्ट योर हाउस टूर वीडियो म्यूनिक में ये पूछा भाई, हुआ है। डेफिनेटली उसके लिए तो मैं दिन रात लगा हुआ yeah. <laughs> हम पहले यार अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो सब सेटल कर रहे हैं जमा रहे हैं क्योंकि सब बहुत बुरा हाल फैला हुआ है uh -huh. जैसे चीजें थोड़ी सी जम जाती हैं, थोड़ा बढ़िया है, प्रेजेंटेबल घर हो जाता है तुरंत हम वीडियो डालेंगे। हाँ, तो प्रिया ने? आपने पूछा है हम बहुत जल्दी आप अभी हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं घर पे तो जैसे ही सब हो जाता है आप लोगों को जो है वो वीडियो शेयर करेंगे थैंक यू पूछने के लिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि म्यूनिक में आप लोग नया क्या करोगे मुझे ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगा कृष्णा ने पूछा हुआ है ये Uh, मुझे ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि भाई म्यूनिक में हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हैं हाँ। और बहुत कुछ करने वाले हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे दीपक सबसे पहले शुरुआत तो करेंगे हम सारे म्यूजियम देखने हाँ। बहुत फेमस म्यूजियम्स हैं यहाँ पर ऑब्वियसली उनमें से एक है बीएमडब्ल्यू म्यूजियम और भी काफी है वो चीज हमें देखनी है म्यूनिक के आस इतनी अच्छी अच्छी जगह है जो हम पहले भी घूम चुके हैं लेकिन अब सबर, सबर के साथ पेशेंस के साथ धीरे धीरे एकदम रुक रुक के सब कुछ घूमेंगे डिटेल में टाइम स्पेंड कर करके उन जगहों पर वो एक रीजन है और सुर्भी? और इंडियन कम्युनिटी इतनी अच्छी है हम लोगों को इतना वार्म वेलकम किया किसके लिए पर? तो मैं बोलना चाहता हूँ हम जहाँ पर थे ना अभी तक जितनी जगहों पर भी हम रहे हैं बहुत छोटे छोटे प्लेसेस थे वो तो वहां पर थे इंडियंस लेकिन बहुत कम थे तो उतना अच्छे से चीजें सेलिब्रेट नहीं होती थी उतने प्रॉपर फेस्टिवल्स हम लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते थे तो अब हमें उम्मीद है कि म्यूनिक में इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो शायद हम भी, तो भी हम, हम बहुत ज्यादा इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और हम लोग घूमेंगे फिरेंगे हम लो हर कभी हम लो आप लोगों से मिलना चाहेंगे और म्यूनिक में आई थिंक हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है तो बहुत कुछ करने के लिए लेकिन सबसे पहले म्यूजियम देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे सब छान मारेंगे थीम रेस्टोरेंट्स है तो वो सारी चीजें जो

वो आपने कैसे यहाँ पर खरीदी और क्या प्रोसेस थे <laughs> पैसे देखे चाबी ले ली <laughs> तो नुपुर अच्छा, ने कार खरीदने का नुपुर मैं बताता ने क्वेश्चन okay. किया है okay. और मतलब एक वैलिड क्वेश्चन है कि कार कार मतलब आप जैसे ही आए कैसे खरीद लिया हाँ, थी? मैं, मैं तो... का जवाब देता हूँ सवाल का कि मैं मेरा जो पर्सनल था ना एक्सपीरियंस वो बताता हूँ मैं जैसे ही मैं आया था उसके एक महीने बाद मैंने गाड़ी खरीद ली थी तो आप क्या है ना जो रूल्स है जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से आप यहाँ पर सिक्स मंथ्स ड्राइव कर सकते हैं छः महीने गाड़ी चला सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं तो आप छः महीने यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं इंडियन लाइसेंस के थ्रू तो जब कार आप लेने की सोचते हैं ना तो आप द मोमेंट आप जर्मनी में कदम रखते हैं सबसे पहली चीज़ है आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपके पास आपका कार्ड आ गया पर्सनल हाउस वाइज क्या बोलते हैं उसको पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड आपका वो आ गया जैसे आपके पास आप जाके कार ख़रीद सकते हैं इमीडिएटली अगर आपके पास पैसा है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कार लेने के लिए आपसे कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा इंडिया का जर्मनी का कहीं का भी बस सबसे एक और जो मेजर स्टेप है कार लेने से पहले ऑफकोर्स आपका एक पर्सनल हाउस वाइज पैसे थर्ड है आपका इंश्योरेंस कार का

भैया हम वो पहनते हैं <laughs> का जवाब तो सुन भी देगी भाई साहब हम वो पहनते हैं ठंड लगती है हाथों में <laughs> मेरे हाथ हो जाते हैं पूरे लाल बहुत सेंसिटिव है मेरे हाथ तो पैरों में मुझे इतनी ठंड नहीं लगती और हाथों में बहुत ठंड लगती है तो मैं जो सबसे ज्यादा गर्म जो होते हैं ना वुलन क्लोथ वो पहनना पसंद करती हूँ तो सबसे पहले तो मतलब बहुत सारे लेयरिंग जब भी हम लोग ग्लव के बारे में मैं बताऊं तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट तीन चार साल हो गए हैं और सुरी अभी भी परफेक्ट ग्लव ढूंढ रही है हम नॉर्थ फेस यहाँ वहाँ सब जगह जाके जा चुकी है इसको अभी भी वो परफेक्ट ग्लव्स नहीं मिल रहा है जिसमें इसको सर्दी ना लगे ऑब्वियसली लेजर ग्लव्स आपको उतना ज्यादा गर्मी नहीं दे, देंगे है ना ऑब्वियसली उनके, उनके अंदर लेदर ले है और अंदर वुलन लेयरिंग है वो सब इम्पोर्टेंट है वो अच्छा है तो मतलब सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है लेदर पफी और ये वो सब चीज तो एक चीज है साइड में हटा दो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो गर्म होना चाहिए नहीं लगनी चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए दो एक चीज होती है जो हो। है और मेरे पास डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टाइप्स हरी टाइप के जैकेट हैं तो सभी पहनती हूँ मैं बट एट लास्ट ज्यादा वो पहनती हूँ जो ज्यादा कम्फर्टेबल हो और जिसमें ठंड ना लगे आई थिंक तुम्हारे साथ भी सेम ही है ना ऑब्वियसली मतलब हमारा पर्सनल ऐसा है हम सोचते सोचा नहीं हमने कभी कि क्या खरीदना तो किस टाइप का लेना है पहनूं देखो कि ठंड नहीं लग रही उसमें और जैसे उस हिसाब से कंफर्टेबल है तो हो गया अच्छा ये तो एक क्वेश्चन है इन विस सिटी यूज चेंज जर्मनी तो हम बहुत सारी सिटी चेंज कर चुके हैं अभी फिलहाल में म्यूनिख में हम लोग <laughs> और शायद काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं Uh, एक क्वेश्चन और है जिसका मैं अभी इसका आंसर नहीं दे रही हूँ पर मैं लिंक छोड़ दूँगी कि हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम नर्सिंग इन जर्मनी जिसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया तो आप वो वहाँ पर देख लेना और कुछ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आप लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी है आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं तो थैंक यू सो मच मतलब हमने तो क्वेश्चन पूछे थे पर हाँ आपने कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाओ तो वो भी हमने कुछ बनाए हैं कुछ बनाए हैं और आप अगर स्पेसिफिक सवाल भेजोगे तो हम शायद उसका स्पेसिफिक जवाब दे पाएंगे ओके okay. एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो ये है कि आप दोनों मतलब दीपक कहाँ काम करता है सुरभि कहाँ काम करती है और आप लोगों की सैलरीज कितनी है यहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो आई थिंक हाँ हम इसका आंसर देते हैं आप लोगों को तो सबसे पहले मैं देती हूँ अपना आंसर एंड देन फिर दीपक देगा तो मैं जो वो एक ज्वेलरी ब्रांड पे काम करती हूँ यहाँ पर जो म्यूनिक से कुछ 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है क्योंकि और मैं मैनेजमेंट एरियाज़ में यहाँ पर काम करती हूँ और इंडिया में भी उसी में करती थी तो उसी एक्सपीरियंस पे मुझे यहाँ पर जॉब मिला सैलरी की बात करें तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सैलरी होती है तो जो भी स्टैंडर्ड सैलरी है मेरे वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मुझे यहाँ पर मिल रही है एंड बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है सारा कुछ बहुत अच्छा है तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस इस ब्रांड के साथ काम करने में और अब दीपक तुम बताओ यार तुम कहाँ काम मैं बता? भी बताऊँगा देखो दो चीज़ें कंपनी का नाम तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं ना कंपनी से जुड़े हो भी वैसे मैं डायरेक्ट नाम नहीं भी ले सकता सेकेंड चीज सैलरी भी यार ऐसा थोड़ी ना होता है जूते वजह <laughs> पर हाँ मैं बता देता हूँ आपको अप्रॉक्सीमेट कैसा क्या है तो so, जो जो मेरा डोमेन है वो मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की हुई है और मैं उसी डोमेन में ऑटोमोटिव डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ और जो मेरा टूल है वो कैटिया वी में यूज़ करता हूँ और भी डिफरेंट टूल्स हैं बेसिकली डिज़ाइन के लिए और आ, आ, तो मेरा बेसिकली मैकेनिकल डिज़ाइन का, का काम है ऑटोमोटिव व्हीकल डिज़ाइन का इंटीरियर कंपोनेंट्स बेसिकली तो वो मेरी जॉब है और एक अच्छी कंपनी है वेल सेटल कंपनी है और मैं उसके लिए काम करता हूँ एक करोड़ तो सैलरी होगी तुम्हारी ये लोगों का क्वेश्चन होता है <laughs> ऐसा नहीं है आप मैंने हम लोगों ने सैलरी 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 रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि एवरेज होती है बेसिकली एक स्टैंडर्ड आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा नहीं है कि किसी को अगर मैं इंडिया की बात करूँ किसी को दो लाख मिल रहे हैं तो सेम प्रोफाइल सेम एक्सपीरियंस पर किसी को बीस लाख मिल रहा है वो नहीं स्टैंडर्ड है सबका आपका एक्सपीरियंस कितना है आपका पर्टिकुलर डोमेन क्या है इंजीनियरिंग में सैलरी थोड़ी बेटर होती है कम्पेयर टू दूसरे फील्ड से डॉक्टर्स की अलग होती है उसके लिए सुरबी ने वीडियो बनाया हुआ है uh -huh. और जो एक और डिफरेंट है दूसरी जगह से सैलरी में वो है कि म्यूनिक में सैलरी सैलरीटिवली थोड़ी हायर होती है दूसरी जगह से हाँ। क्योंकि म्यूनिक थोड़ा महंगा शहर है हाँ। तो एक एक चीज बस आप लोगों को ऑनेस्ट आंसर देने के लिए जब हम दोनों ने स्विच किया तो हमारी जो सैलरी बार्डेन वोटम्बर्ग में थी हम दूसरे स्टेट में रहते थे अब जब हम शिफ्ट हुए हैं बायन में तो हम दोनों की सैलरी जो है वो इंक्रीज हुई ऑफ hmm. कोर्स क्योंकि स्टेट ये जो स्टेट है और म्यूनिक जो, जो है Especially वो बहुत महंगा है तो यहाँ पर जो सैलरीज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा होती हैं hmm. जो मैंने बहुत बार पहले भी बताया कि सिटी पर आप कौन से स्टेट में रहते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है रिधांग सिंह ने जो नाम देदान देदान हाँ। है हरीदान सिंह पहली बार सुना ये पूछा हुआ है की क्या कोई स्टूडेंट जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एज ए स्टूडेंट मतलब यार बहुत बढ़िया सवाल है बहुत अच्छा सवाल है बहुत वैलिड सवाल है ये मेरे को भी जब मैं आई थी और जब तक मैंने जॉब नहीं करी थी लगता था क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ तो ये बहुत वैलिड है तो हाँ यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अनटिल uh, जो आपका रेसिडेंट परमिट है वो अलाउ करे तो रेसिडेंट परमिट में ऐसा होता है तो वो अगर अलाउ करे तो आप यहाँ पर कर सकते हो आपको मैं एक मैंने आर्टिकल पर पढ़ा था उसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देती हूँ पर यहाँ पर ऐसा रोक टोक नहीं है बस आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर एक स्टूडेंट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है फ्री भी जॉब कर सकता है मिनी जॉब भी कर सकता है स्टार्टअप भी हाँ। कर सकते हो आप अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो और मैं ये एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि जो ईयू के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो, तो, तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ओके okay. और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है टेल मी अबाउट समर्स इन जर्मनी वर्सेज इन समर्स इन इंडिया आई थिंक यार ये क्वेश्चन बहुत ही सही है मेरे को समर्स इन इंडिया मतलब लगता है किल एंड यहाँ पर मुझे लगता है समर्स इन जर्मनी वाओ हाँ ये एक्चुअली माइंडसेट <laughs> हो गया है यहाँ पर रहकर क्योंकि समर्स यहाँ की इंडिया जैसी ही है मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कम कम गर्मी पड़ती है स्पेशली जितना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से गर्मी उतनी पड़ती है लेकिन इंडिया की गर्मी सुन के मतलब इंडिया की भी हम उस एरिया की बता रहे हैं जहाँ पे हम रहे हैं वाह <laughs> तेल निकल जाता लपट लू चल रही है दोपहर में तो निकलते ही नहीं है घर से बाहर पर यहाँ जब समर स्टार्ट होती है ना यहाँ माहौल ही बदल जाता है मतलब रेस्टोरेंट्स ओपन हो जाते हैं बाहर स्ट्रीट्स पे रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं अपना बियर्स वगैरह से फेस्टिवल होने स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स होते हैं रोड्स पर डे लाइट न... बहुत होती है तो दस बजे तक दिन निकला रहता आ... है बहुत एकदम हैपनिंग सा माहौल हो जाता है तो बहुत बहुत है ऐसा लगता खुशियाँ आ गई यहाँ डिफरेंस है और वी आर लाइकिंग समर्स यहाँ की समर्स हम लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी घूम फिर सकते हैं अच्छे कपड़े पहन के जा सकते हैं वर्सेज यहाँ की विंटर्स जो है उसमें हम लोगों को बहुत केयरफुल होना होता है विंटर बाहर जाने का मन नहीं होता जो समर्स में एक्चुअली अपन करते हैं ना एक्चुअली हाँ वही है कि आज आज ही हम ये बात कर रहे थे यार कि सामने से कुछ भी लाना हो तो समर में उठो बस चले जाओ निकल ले आओ विंटर में तो बाहर निकलने के लिए यार सजो पूरा यार दुल्हन की तरह तो बहुत डिफरेंट है और ये माइंड जब यहाँ पर आया है तब चेंज हुआ है जस्ट शॉर्ट uh, एक आंसर दे सकते हो तुम क्षितिज ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आप लोगों ने जो जॉब है वो इंडिया से ही अप्लाई किया था तो मैंने तो यही आके किया था तो दीपक बोल सकता है और uh, आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आए थे कि डायरेक्टली आपने जॉब यहाँ पर पाया था हाँ जी जै, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मुझे डायरेक्टली जॉब मिल गई थी इंडिया से तो लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी मैंने ऐसे अप्लाई किया और मुझे कॉल आ गया मैंने इंटरव्यू दिया और हो गया था तो मैं डायरेक्टली मुझे जॉब मिली थी मेरे साथ यहां पर एज ए वीजा पर आई थी और उसने यहाँ पर रह के जॉब सर्च की थी हाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मास्टर्स भी करते हैं उसके बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है बहुत लोग हैं जो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं हाँ। और फिर अपना करियर बनाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं लकी जिनको डायरेक्टली भी मिल जाती है जॉब तो ये है ओके और फिर है अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा है ओपेयर के लिए ब्लॉग बनाओ तो उसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है तो उसकी भी मैं लिंक छोड़ दूंगी ये भी बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग यंग लोगों के लिए जिनको मतलब एक्सप्लोर uh, करनी है दुनिया बाहर निकलना है और उनको मतलब उनके डिफरेंट थॉट्स हैं तो उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए तो पूरा डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन है जो ये है कि आप लोग इंडिया में कहाँ से हो तो मैं इंडिया में मध्य प्रदेश से हूँ भोपाल के पास एक टाउन है छोटा सा गंज बासुदा नाम का अगर आप लोग में से कोई जानता है तो जरूर कमेंट करना मैं वहाँ से हूँ और दीपक तुम कहाँ से हो यार मैं तो मतलब कहाँ से क्या हूँ समझ नहीं आता कई बार तो पर बेसिकली मैं जो हूँ मैं गाजियाबाद से हूँ गाजियाबाद के पास में हमारा छोटा सा टाउन है एक वहाँ से और फिर मैं एम में रहा हूँ काफ़ी साल तक मतलब इवन मेरी स्कूलिंग वगैरह सब एमपी से हुई है हम लोग सात आठ साल रहे हैं पिछले चार साल से जर्मनी में क्वेश्चन <laughs> <वैसे laughs> जो है वो ये बहुत है मैं बहुत बिग बॉस वगैरह डालती रहती हूँ ना बिग बॉस रिलेटेड स्टोरीज वगैरह तो लोगों ने मुझसे ये पूछा था की आप लोग बिग बॉस कहाँ से देखते हो तो बिग बॉस होगा बिग बॉस का तो बड़ा जुनून था यार even, एक टाइम पर इवन जब हम लोग आईपीएल की एक स्टोरी डाली थी उसमें भी लोगों ने पूछा था यार आप लोग आईपीएल या क्रिकेट मैच कहाँ पर देखते हो आई थिंक बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि दीपक तुमने बहुत स्ट्रगल किया था है ना यार के लिए। मैं शुरू शुरू में जब यहाँ आया था मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे और मैं मेरे को क्रिकेट इतनी पसंद है मतलब मैच तो सुर भी है <laughs> तो मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था वो स्ट्रीमिंग ऐसे वैसे देख रहा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दिमाग खराब हो जाता था मुझे प्रॉपर कुछ मिला ही नहीं फिर फाइनली एक चीज़ ऐसी मिली जहाँ पे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई जहाँ पे मैं इंडियन न्यूज चैनल देखता हूँ क्रिकेट मैच देखता हूँ बिग बॉस वगैरह सारे सीरियल, जिनको सीरियल्स का शौक है वो भी आते हैं और वो है वो यप टी तो यप टी पे हम लोग देखते हैं उसमें सोनी लिव करके भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यप टी पे बिग बॉस देख सकते हो न्यूज़ देख सकते हो मतलब इंडिया का जो भी है वो सब, सब आ, देख सकते हो सारी लैंग्वेज में देख सकते हो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज में है और आप अपने फ़ोन पे चला सकते हो ऐप को अपने टीवी पे चला सकते हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे चला सकते हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है कभी कभी मैं ट्रैवल करती हूँ तो अपने फ़ोन पे ही देख लेती हूँ और सबसे अच्छी बात आप लोगों को मैं डिस्काउंट दे रही हूं अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे या टीवी की तो वो मैं है डिस्काउंट जो कूपन कोड है सुरभि वो मैं आपको डाल रही हूँ तो आपको दस पाउंड का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा तो यूज इट ये आई थिंक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको हिंदी सिनेमा इंडियन सिनेमा या तेलुगु तमिल गुजराती पंजाबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखना है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मैं तो भाई बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ तो रात में जो है वो मैं बिग बॉस चलाती हूँ और आई थिंक और कहीं नहीं मिल पाता है ना बिग बॉस प्रॉपर ऐसे लीगली कहीं नहीं मिलेगा प्रॉपर एस में जो नॉर्मल आप एंजॉय कर वैसे तो इधर उधर वो फालतू के ड्रामे हैं उनमें प्रॉब्लम्स ही होती है वो लीगल भी नहीं है नहीं। यहाँ पर तो इसलिए बेस्ट यही है कि जो लीगल वे है उस तरीके से और आप अच्छी तो चलो उनकी मोबाइल ऐप है मैं मैंने तो मतलब जब मैं ऑफिस रेगुलर जाता था पहले तब वर्ल्ड कप चल रहा था मैंने सारा वर्ल्ड कप फोन पे देखा था ऑफिस में लंच टाइम में पूरा बहुत हाँ। मजा आता है तो आप लोगों को मैं जो यप टीवी की जो लिंक है वो डाल देती हूँ प्लस कूपन कोड डाल देती हूँ तो अगर आप यहाँ पर रह रहे हो यूरोप में ए, यूके में तो आप लोग प्लीज यूज कर सकते हो एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जर्मनी में भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अभी और दीपक और बस मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमारे ट्वेंटी के सब्सक्राइबर्स हुए हाँ। बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके और एक्चुअली बहुत मेहनत करिए दस के तक तो बहुत हाँ। अच्छा जा रहा था दस के के बाद जो सब्सक्राइबर काउंट है वो रुक गया था आई डोंट नो और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम हर तरीके से आपको राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दें अब लोग हम लोगों की लाइफस्टाइल को भी बहुत पसंद करने लगे हो सारे आप लोग आप लोग जानना चाहते हो कि हम कहाँ हैं क्या हैं हम वो भी कोशिश कर रहे हैं पूरी की आप लोगों को बहुत अच्छे से अपनी यहाँ पर लाइफ दिखाएं पर थैंक यू मतलब जो भी मिला आई थिंक दीपक ये बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली हमने जब शुरू किया था तब स्पेशली सुरभि ने ये सब कुछ किया था तब सोचा भी नहीं था और बस ये है कि यार अपना सपोर्ट बना के रखो और हम कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा आपकी हेल्प कर पाए बस आप लोग मतलब टारगेट करते हैं हम इस वीडियो पे कि कम से कम 500 लाइक्स आए हैं और अब हम अब मैं चाहूंगी कि मैं हर एक वीडियो पे जो है वो एक टारगेट सेट करूं अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप वीडियो को लाइक करो या नहीं करो सब्सक्राइब करो या नहीं करो पर मैंने इस वीडियो पे फाइव लाइक्स का टारगेट किया है और आप प्लीज मुझे उस पर पहुंचाओ और बाकी आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसको लिखा और आई थिंक हम लोगों ने सारे आंसर कर दिए हाँ, हमने मतलब जितना पॉसिबल हमारे जितने हम कर सकते थे हमने जवाब दिए अगर आपका फिर भी कोई स्पेसिफिक सवाल है जो हम नहीं ले पाए आप भेजना डेफिनेटली और हम कोशिश करेंगे अगली बार जब हम नेक्स्ट क्यू ए करेंगे तीस, तीस के जल्दी पहुँचाओ तो तीस जल्द, के उसमें हम सारे सवाल तब फिर से लेंगे और डिटेल में सब हर चीज का जवाब देंगे हाँ, तो फिर अगेन थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नोट फोरगे केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं तो आप अपनी भी आ, हेल्थ का ध्यान रखो प्लस अपनी फैमिली और लव वंस का भी ध्यान रखो और हम लोग तो आपको मिलते ही रहेंगे बाय बाय टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू तो डू ये तो सलाह चल दोस्तों बाय बाय